हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि सर एप्लीकेशन हमसे डाउनलोड नहीं हो रहा, तो एप्लीकेशन कैसे करके डाउनलोड करना होता है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखो अपना मोबाइल फोन के अंदर आपको प्ले स्टोर दिख रहा होगा, प्ले स्टोर पर क्लिक करोगे क्योंकि प्ले स्टोर से ही सभी एप्लीकेशन डाउनलोड होती हैं। ऊपर आपका सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करोगे और सर्च करोगे अशोका द एग्जाम गुरु, सर्च करोगे अशोका द एग्जाम गुरु। देखो ऊपर आपका अशोका द एग्जाम गुरु लिख के आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर देखो फिर से अशोका द एग्जाम गुरु आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे क्लिक करोगे अशोका द एग्जाम गुरु एप्लीकेशन देखो इस तरह से शो हो जाएगा और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल हमें करना होगा। इंस्टॉल पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा आपके फ़ोन के अंदर। अब ये प्रोसेसिंग है, अभी हमारा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो रहा है। देखो ये 9% हो गया, ये 43% इस तरह से हो रहा है। अगर आपका नेट स्लो होगा थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, एक दो मिनट का समय लग सकता है, अगर नेट की स्पीड ठीक है तुरंत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन। अब देखो ये ओपन का ऑप्शन आ गया, ओपन पे क्लिक करोगे आप तो आपका देखो एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन का अगर कुछ इस तरह से आता है तो यहाँ पर अलाउ कर लेना। अब देखो यहाँ पर बच्चे दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, यहाँ पर बच्चे दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा रजिस्टर का ऑप्शन, दूसरा आएगा लॉगिन का ऑप्शन। तो रजिस्टर उन बच्चों के लिए करना होता है जो पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। जिन्होंने एक बार पहले इंस्टॉल कर लिया है और रजिस्टर भी कर लिया है तो उनके लिए लॉगिन करना होता है। लॉगिन में क्या मांगते हैं, आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह फिल करना होता है जो आपने बनाया होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो बच्चे पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उन्हें रजिस्टर कैसे करना होता है इस पर आइए बात करते हैं। तो यहाँ क्लिक करोगे रजिस्टर के ऑप्शन पर, आपके देखो इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे, नेम फिल करेंगे, यहाँ पर बच्चे का नेम फिल करना है आपने, मोबाइल नंबर जो भी घर में यूज़ होता है खुद का या माता पिता किसी का भी, आप गार्जियंस का किसी का भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, पासवर्ड आपको खुद बनाना है अपना जो आप याद रख पाओ, क्योंकि आपका लॉगिन जब भी होगा अगर आपने एप्लीकेशन को लॉगआउट कर लेंगे मान लीजिए किसी कारणवश से तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपका एप्लीकेशन हमेशा लॉगिन होगा। जो भी आपका सिटी है डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ फिल कर दोगे, स्टेट जो भी है वो फिल कर लोगे यहाँ पर, फिर आप एग्री वाला जो टर्म आ रहा है यहाँ पर एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपका रजिस्टर हो जाएगा और एप्लीकेशन के अंदर सीधे आप एंटर कर जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो नया बच्चा है पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा है इस तरह से यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गलत डाटा फिल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, डाटा अपना बिल्कुल सही फिल करेंगे क्योंकि मोबाइल नंबर या फिर मान लीजिए पासवर्ड वगैरह बिल्कुल सही फिल करें जिससे बाद में कभी भी आपको लॉग इन करना पड़े तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप आसानी से लॉग इन एप्लीकेशन कर पाएँ। तो इस तरह से हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा।